हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचर लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं एंड मौसम जो है, बाहर का जो व्यू है तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। एंड मुझे जाना है शॉप पे, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो रही, देखते कैसे जाना है कैसे नहीं। एंड चलिए जल्दी से शॉप पे जाते हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं ना दुकान जा रही थी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम था सो इसलिए मैं फिर वहाँ बाहर जा रही थी। एंड यहाँ पे मैंने ना नॉर्मली कपड़ा पहना है, आप देख सकते हो टॉप पहना था मैंने, नीचे है तो प्लाजो पहनी थी। सो डेली वेयर वाले जो मैं कपड़े घर में पहनती हूँ वही पहन के चली गई थी। एंड उसके बाद मैं बाहर गई और बाहर का जो व्यू है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम हुआ रखा था, हल्की फुल्की बारिश थी। एंड ये जो एरिया है ये आनंद नगर का एरिया है, सो बहुत ही अच्छा मौसम था। जो मुंबई के हैं उनको मालूम होगा आनंद नगर कहाँ पर है, तो एक्चुअली ये दहीसर का एरिया है। एंड उसके बाद मैं शॉप पर गई, शॉप पे जाने के बाद मैं घर पे आई और घर पे ना मुझे बनाने थे साबूदाने के बड़े। सो मैंने आलू बॉईल किया, आलू बॉईल करने के बाद उसकी स्किन जो रहती है उसको निकाल दिया एंड बॉईल किए हुए आलू को रख दिया। एंड उसके बाद है तो साबूदाने जो मैंने भिगो के गए थे दोपहर में ही मैंने भिगो दिया था एंड उसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल दिया था ताकि ना थोड़ा बहुत भी गीला रहता तो चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन ना गाइस, आज पता नहीं क्या हो गया था, दिन ही ख़राब था। कभी कभी होता ना ऐसा कि दिन पूरा ख़राब ही होता है। सुबह क्या हुआ कि खाना बनाया, खाना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनाई मैंने, दाल चावल रोटी सब्जी। और खाना खाने बैठे थे मेरे हस्बैंड तो उसमें बार बार दो तीन बार बाल बाल आ गए, तो उनका खाना मतलब मन अच्छे से खा नहीं पाए। एंड उसके बाद मैंने साबूदाने इतने अच्छे से बनाया कि बहुत दिख तो इतने मतलब एक साल के बाद मैंने साबूदाने के बड़े बनाए थे। हर बार बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं लेकिन इस बार पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब मैं उन्हें फुला दिया था दोपहर में ही 4 बजे, फिर मैं रात में 9 बजे आई ना तो मुझे लगता साबूदाना एक्स्ट्रा फूल गया था, इसलिए अच्छे से नहीं बन पाया था। गाइस, कभी कभी ना इतनी मेहनत करो और चीज़ें नहीं होती ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और स्पेशली अगर कुछ चीज़ आप बनाते हो तो हस्बैंड नहीं खा पाते तो उल्टा बहुत और ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हो, उनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं बने तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि बना था, इतना भी ख़राब नहीं बना था लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं अच्छा लगा तो उनके लिए मैंने बनाया तो उनको ही अच्छा नहीं लगा, तो कोई मतलब नहीं बनता चीज़ें करने का। एंड यहाँ पे ना मैंने साबूदाने की टिकिया बना लिया था, गीला हो गया था साबूदाना थोड़ा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टिकिया बना के रख दिया था, कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने और यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रेडी कर लिया था। सो गाइस, इस एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये बड़े बना के रेडी करके रख दिए हैं, सिर्फ फ्राई करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। एंड यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए एंड निकाल लूँ मैं बड़े सारे। एंड आप लोग को अभी बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं। फिर ये जो साबूदाने के बड़े हैं इसको है ना मैं ना फ्राई कर लिया था थोड़ी मीडियम आंच पे। एक्चुअली ना क्या हुआ था, गीले हो गए थे साबूदाना बहुत ज़्यादा तक, एक्स्ट्रा भीग गए थे तो इसलिए थोड़े से ना साबूदाना वो हो गए थे, सॉफ्ट बन रहे थे। एंड मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, मतलब ठीक था, इतना ख़राब भी नहीं था पर इतना अच्छा उनको ही अच्छा नहीं लगा तो क्या बोलो। एंड उसके बाद मैंने बनाया एंड चटनी बनाई थी मैंने, दही और धनिया की कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें डाल, बहुत मतलब चटनी अच्छी बनी थी, चटनी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सिंपल ही बनाया था मैंने पर चटनी बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन साबूदाने के बड़े आज पता नहीं क्या हो गया था, दिन ही हो जाता ना ख़राब तो वही था मेरे साथ तो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं साबूदाने के जो बड़े थे तो मैंने निकाल रही थी फ्राई करके। एंड मैंने यहाँ पर ना साबूदाने के बड़े पहले 2-3 निकाल के देख लिया था, चेक कर लिया था कि कैसे बने हैं। सो मैंने पहले ही, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी थी सो मैंने निकाल लिया था। एक्चुअली साबूदाने के बड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ना वो ना थोड़ा ऑयली होता है ना तो उनको ज़्यादा नहीं अच्छा लगता साबूदाने के बड़े, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर मैं निकाल लूँगी बड़े
एंड गरम थे, चेक कर रही थी मैं कि कैसा बना है कैसा है नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पे ना बना के मैंने रख दिया था, तो फ्राई करते टाइम ना आपको हल्का सा और प्रेस करोगे ना तो अच्छे से, मतलब थोड़ा पतला बनता है तो अच्छा हो जाता है साबूदाने के बड़े, नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे रहते हैं ना तो नहीं खाए जाते। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 निकाला, 2 डाल दिया था। एंड उसके बाद मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए मैं गर्म गर्म बना के दूँगी, तो अच्छा लगता है ना कुछ चीज़ें गर्म खाओ तो फिर इसलिए मैंने निकाल दिया था। मैं चेक करी थी कैसे बने हैं कैसे नहीं, कुरकुरे बने तो मतलब ठीक थे, इतने ख़राब भी नहीं बने थे। एंड उसके बाद यहाँ पे आज मेरा संडे का ब्लॉग जो था यही है। एंड वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने साबूदाना कैसे बनाए हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।